हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको होसनेस ऑफ वॉइस गला बैठ जाने के बारे में जानकारी देंगे और आपको गला बैठ जाने की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, गला बैठने का कारण बताएंगे और आपको इसके सिम्टम्स बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करें। गला बैठ जाने के कई कारण होते हैं। आपके गले की आवाज़ का ना निकलना, ये कई कारणों से आपको हो सकता है, जैसे कि सर्दी लगने के कारण, लैरिंग्स पर चोट लगने के कारण, तेज बोलने से या चिल्लाने से, बैक्टीरिया, डिप्थीरिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन से, गलत खान पान से, और एक सबसे बड़ा कारण होता है ठंड और बर्फ। कोल्ड ड्रिंक पीने से अक्सर गला बैठ जाने की समस्या हो जाती है और अक्सर कभी कभी गले में ट्यूमर होने के कारण, गले में गांठ हो जाने के कारण भी आपका गला बैठने लगता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ मानसिक कार्य जैसे कि टेंशन, तनाव, चिंता, घबराहट, डिप्रेशन आदि के कारण आपको गला बैठ जाने की समस्या हो जाती है, आपके गले से आवाज़ नहीं निकल पाती है। और एक सबसे बड़ा कारण है सिगरेट, तंबाकू, खैनी का इस्तेमाल करने से। अगर आप में से कोई भी अगर सिगरेट या तंबाकू का सेवन करता है और लंबे समय से लगातार कर रहा है, तो उसे गला बैठने की समस्या, गले से आवाज़ ना निकल पाना और इन्फेक्शन के साथ आपको इसके कैंसर होने की समस्या भी बन सकती है। लंबे समय तक लगातार बोलने से गला बैठने की समस्या हो जाती है और अक्सर कभी कभी गले से आवाज़ उस समय भी नहीं निकल पाती है जब कोई व्यक्ति किसी खतरनाक चीज़ को अचानक देख लेता है, तो कभी कभी उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पाती है। ये कारण हो सकते हैं गला बैठ जाने के। जब आपका गला बैठता है, आपके गले से आवाज़ नहीं निकल पाती है, आप जो भी बोलते हैं तो सामने वाला नहीं सुन पाता है कि आप क्या कह रहे हैं, तो उस समय आपके गले में रेडनेस भी हो सकती है, आपका गला दर्द करने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो आप खा नहीं पाते हैं क्योंकि गले में दर्द होने लगता है। आपको होर्सनेस, गला बैठ जाने की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं। अगर आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गला बैठ जाने की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। आपको होर्सनेस, गला बैठ जाने के सिम्टम के हिसाब से अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। आप अपने सिम्टम के हिसाब से कोई सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करना। पहली मेडिसिन है इपिकोक 30। इपिकोक 30 30 पोटेंशियम में लेनी है, इसका डाइल्यूशन आता है, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। यह मेडिसिन उस समय लेनी चाहिए जब आपका गला बिल्कुल पूरी तरह से बैठ जाता है और आपकी आवाज़ नहीं निकल पाती है, आपको गला बैठ जाने के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और आप परेशान रहते हैं, तो उस समय आपको हमेशा इपिकोक 30 ही लेना चाहिए। आपको ध्यान यही रखना है कि इसका गला पूरी तरह से बैठ जाता है और पूरा गला बैठता है, तो उस समय इपिकोक 30 लेना चाहिए। इपिकोक 30 की हर आधे घंटे में एक डोज देते रहें तो आपको जैसे आप पहला बोलते थे वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देंगे और आपका गला ठीक हो जाएगा। अगली मेडिसिन है कास्टिकम 200। कास्टिकम 200 का डाइल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक डाइल्यूशन है। इस मेडिसिन को हमेशा उस समय लेना चाहिए जब आपको अचानक एकदम सर्दी लगने से गला बैठ जाए, तो उस समय हमेशा कास्टिकम 200 ही लेना चाहिए। कास्टिकम 200 लेंगे तो आपको सर्दी लगने से गला बैठ जाने की समस्या तुरंत ठीक हो जाएगी और आप हमेशा के लिए ठीक रहेंगे। और साथ में एफोनिया, अगर आपकी आवाज़ नहीं निकलती है तो उसे भी आराम मिलेगा। कास्टिकम 200 आपका क्रोनिक से क्रोनिक, पुराने से पुराना गला बैठ जाने की समस्या को दूर कर देता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिम क्रूड 6 पोटेंशियम में लेनी है। एंटिम क्रूड 6, इस मेडिसिन को हमेशा उस समय लेना चाहिए जब आपका गला गर्मी के कारण बैठ जाता है। अगर गर्मी से आपका गला बैठ जाए तो उस समय आपको हमेशा एंटिम क्रूड 6 लेना चाहिए। एंटिम क्रूड 6 लेंगे तो आपको होर्सनेस, गला बैठ जाने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ड्रोसेरा 200। ड्रोसेरा 200 भी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। ड्रोसेरा को हमेशा उस समय लेना चाहिए जब कोई सिंगर या फिर गायक, वक्ता का गला बैठ जाता है, बोलने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बोलते हुए उसे अस्थमा यानी कि सांस फूलने की प्रॉब्लम भी रहती है, तो हमेशा उस समय ड्रोसेरा 200 ही देना चाहिए। ड्रोसेरा 200 को देंगे तो उस वक्ता का, सिंगर का गला खुल जाएगा और वह हमेशा के लिए ठीक रहेगा। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसे गले में ऐठन होती है, दर्द होता है, तो उस समय हमेशा ड्रोसेरा ही लेना चाहिए। ड्रोसेरा की एक डोज सिंगल लेनी चाहिए क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सिंगल डोज लेने से ही आपको हमेशा के लिए गले की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। और नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका 30। अर्निका 30 भी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। अर्निका को हमेशा उस समय लेना चाहिए जब गले से ज़्यादा काम लिया जाए, यानी कि ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा गाना गाने से या फिर किसी को ज़्यादा व्याख्यान सुनाने से अगर उसका गला बैठ
जाता है तो उस समय हमेशा अरनिका ही लेना चाहिए। अरनिका ज़्यादा बोलने से होने वाली परेशानी को दूर करती है। ज़्यादा बोलने से अगर गला बैठ जाए तो हमेशा अरनिका लेंगे तो उसका गला खुल जाएगा और गले बैठने की समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। बेलाडोना को उस समय लेना चाहिए जब गले में रेडनेस, गला बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, गले में जलन होने लगती है, गले में से आग निकलने लगती है और गला दर्द करने लगता है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस समय बेलाडोना 200 लेना चाहिए। गला बैठ जाता है और बोलना नहीं जाता है, बोलने से आवाज़ नहीं निकलती है, उस समय हमेशा बेलाडोना ही लिया जाता है। बेलाडोना 200 की 2 बूंद सुबह शाम जीभ पर डालेंगे तो बहुत जल्द गला बैठने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको होर्सनेस, गला बैठ जाने के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है या फिर अदर मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेनी है, किसी डिजीज के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।